और नौकर मंत्र कितना चमत्कारी है, कितना शक्तिशाली है, आप इससे अनजान नहीं है। उसके बाद दो लाइन है शिव जी का माँ मृत्युंजय मंत्र। यह माँ मृत्युंजय मंत्र असीम चमत्कारी, असीम ताकतवर और अतुलनीय। उसके बाद चौथी लाइन हमारे सामने फिर नवकार महामंत्र की है, वही बीज मंत्र ऊपर वाला है। नवकार मंत्र महामंत्र आपको सबको पता है, इसके बारे में जानकारी देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये नवकार मंत्र बड़ा चमत्कारी मंत्र है और इससे ऐसी ऐसी सिद्धियाँ, ऐसी ऐसी लब्धियाँ और अनेक असंभव कार्य संपन्न हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र उन प्रेतात्माओं का, उन बुरी शक्तियों का जो हमारे यहाँ पे वास करती है उनका है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आप उसके चमत्कार देखेंगे तो आपको स्वयं को अनुभव होगा। इन दो मंत्रों को मैंने एक मिलाने की कोशिश करी और उसका एक लयबद्ध हमने बनाया और इसका नया नाम दिया नमस्कार महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में है, अगर ऊपर नीचे उसका बीज मंत्र आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और हमने बीज मंत्र को उसका उपयोग किया जो स्वयं सर्वशक्तिमान है। दो शक्तिमान मंत्रों को मिला के हमने एक बनाया। एक तो कारण ये, दूसरा कारण हमारे यहाँ पे है हम हिंदुत्ववादी, इस धर्म इस हिंदुस्तान के निवासी हैं। यहाँ पे दो संस्कृतियाँ चलती है, एक श्रमण संस्कृति और एक सनातन संस्कृति। दोनों की हम धाराएँ इस हिंदुस्तान की अविरल धाराएँ, एक दूसरे के बिना ये दोनों संभव नहीं है। इसलिए इस महामंत्र में, इस मंगल पाठ में 3600 कौम आती है जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं है। इसको ध्यान में रख करके हमने एक नया मंत्र बनाया, दो मंत्रों को जोड़ के, जो संपूर्ण हिंदुत्व, सनातन और श्रमण संस्कृति को बोधित करता है। अर्थात ये मंत्र है, सभी इसको सुप्त उच्चारण के लिए हम जाप कर रहे हैं। ये मंत्र करने से आपके आसपास का दूषित वातावरण, इस परिसर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो यहाँ से पलायन करती है और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक शक्तियाँ आए जिससे आगे आने वाली मांगलिक में आपको तुरंत लाभ पड़े और लाभप्रद हो। इसके लिए सबसे पहले हम तामसिक शक्तियों को बाहर भेजते हैं इस परिसर से और आप में से, इसलिए इसका उच्चारण कराया जा रहा है। अभी हम 10 मिनट और अपन इसका जाप करेंगे और इसमें पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोले, जिसका शब्द उच्चारण गलत हो रहा है उसको सही कर लें ताकि शब्दों का उच्चारण सही हो सके। मैं आपको वापस हम चलते हैं और आप अंदर चिंतन करते हैं कि मेरे पास सारी असुरी शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ बाहर जा रही है और मैं बिल्कुल सरल आत्मा, शुद्ध आत्मा होकर के इस मंगल पाठ को श्रवण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओम नमः। ओम
हम इस मंत्र का जाप इसलिए किया कि हमारे इस परिसर के अंदर जितनी भी असुरी शक्ति हैं, तामसिक शक्ति हैं इत्यादि विद्यमान हैं, इस मंत्र के प्रभाव से वो दूर हो जाए। और ये मंत्र इतना चमत्कारी मंत्र है, इसके चमत्कार हमने साक्षात देखे, इसको सिद्ध किया हुआ है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति न मर रहा है न जी रहा है, जिसको इतनी प्रकार की बाधा है, इधर कुआ और इधर खाई, कोई बचने का रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है, हमने 11 दिन का अखंड जाप कराया वो ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई किसी प्रकार की बाधा हो रही है, ऊपरी बाधा हो, आप इसको उसी से सुना दें, 3 बार सुना दें, उस समय बाधा शांत हो जाएगी। असंभव से असंभव कार्य इसका जाप करने से संभव होता है, हर तरह की बाधा इससे साफ होती है। अब हम इससे पहले आरंभ करेंगे, उससे पहले एक भजन लेंगे जो मैं नित्य प्रतिदिन लेता हूँ। भजन ले रही आप सभी वापस हमारे साथ है, अच्छी आवाज़ में उन लोग बोला लो तो अपन मुख पवित्र वेला पावन वेला महापुरुषों का नाम है। सुबह और शाम की दीवा करे नाम की, सुबह और शाम की दीवा करे नाम की, तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला, सुबह और शाम की दीवा करे नाम की, सुबह पुण्यशाली नित्य जप लो तुम बन पुण्यशाली, दिवाकर नाम है बड़ा गुणकारी, दिवाकर नाम है बड़ा गुणकारी, नित्य जप लो तुम बन पुण्यशाली, नित्य जप लो तुम बन पुण्यशाली, कर्म कट जाएंगे पुण्य बढ़ जाएंगे, कर्म कट जाएंगे पुण्य बढ़ जाएंगे, तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला, सुबह और शाम की दीवा करे नाम की, सुबह तारी की पर उपकारी की वीर वर्तेदारी की, तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला, सुबह और शाम की दीवा करे नाम की, सुबह और शाम की दीवा करे नाम की, तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला तेरो एक माला, ऊंच नीच का भेद मिटाया ऊंच नीच का भेद मिटाया, शरण जो आया गले लगाया शरण
Good morning.
मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात महापुरुषों का नाम लेने के पश्चात हमारा समय होता है मंगल पाठ। और आज ये मंगल पाठ विशेष शिविर के रूप में हमने इसमें इसको नाम दिया है लोकस मांगलिक चिकित्सा शिविर। और मेरे यहाँ चिकित्सा का अर्थ है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, हमारे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षिक हो और शिक्षा संबंधी, और चाहे ऊपरी बाधा हो, तमाम प्रकार की बाधाएं इस मंगल पाठ से हम निरंतर ठीक करने का सफल प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को 13 दिन हो गए, 13 दिन से निरंतर आपके यहाँ पे मंगल पाठ का प्रभाव होता जा रहा है। और इन 13 दिनों के अंदर अनेक के लोग अनेक के और कई समस्याएं ठीक हुई है, छोटी मोटी समस्याओं पर पड़ा है और कई बड़ी समस्या भी यहाँ पे समाधान हुआ है। हमारे पास अनेक अनेक लोग आए और अपनी भावना करी कि मैं ऐसा था, मेरा ठीक हो गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस मंगल पाठ से आज इन 7 वर्षों में मेरी दीक्षा पर्याय 7 साल है, इसलिए 7 वर्षों में पूरे भारत के अंदर यह मंगल पाठ स्वेच्छा से लाखों लोग नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं, सुनते हैं और तमाम प्रकार की बाधाओं से निराकरण पा रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे कई उदाहरण मौजूद हो गए क्योंकि यहाँ निरंतर मैं मंगल पाठ देता था। परंतु आज विशेष शिविर, इस विशेष शिविर का अर्थ यह है कि आज के दिन 1 घंटे निरंतर आपको मंगल पाठ चलता रहेगा, 1 घंटे तक चलेगा। और उसे 1 घंटे के अंदर आपको अपने अंदर उतारा जाएगा और उस जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पे आपके किसी प्रकार की बाधा है और तरीके, और पूरे 1 घंटे तक आपको अंदर से अंदर उतारा जाएगा धीरे धीरे सने सने। इसलिए आप अभी जहाँ आप श्रवण करेंगे उससे पहले आप अपने अंदर अवलोकन कीजिए कि मेरे कोई बाधा है, अगर शारीरिक बाधा है तो मालूम पड़ेगा मेरे को शारीरिक बाधा अभी किस प्रकार की है या किस प्रकार चलती है, इस प्रकार आप अपने अंदर अवलोकन करना। और जब 1 घंटे का शिविर हमारा खत्म हो जाए तो आप फिर अवलोकन करना कि अब मेरे को किस प्रकार से कुछ न कुछ आराम हुआ या नहीं हुआ। लंबी बीमारी के लिए थोड़ा समय लगता है परंतु छोटी मोटी चीज़ है वो तुरंत मालूम पड़ जाती है, ऊपर बच्चे चिल्ला रहे हैं उनको थोड़ा शांत करते हैं, इसलिए लंबी बीमारी का थोड़ा समय लगता है। इस मंगल पाठ का मुख्य उद्देश्य है सांसारिक सुख, और सांसारिक सुख की बात करते हैं, ये बच्चे ऊपर चिल्ला रहे हैं, जिनके भी माता पिता ऊपर बैठे हैं उनको बोलते हैं वो चुप करें अपने बच्चों को, और नहीं तो घर लेके चले जाए आराम रहेगा थोड़ा सा। जिनके भी सांसारिक सुख मेरा अर्थ है यहाँ पे बैठे हुए जो श्रवण निरंतर करते हैं उनके लिए किसी प्रकार की छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी या जानलेवा बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी हो, अभी आप सब बैठे हैं किसी के भी पेट में मरोड़े चल रहे हो, उल्टी दस्त हो रही हो या और कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, आप इस मंगल पाठ को सुने, 2.5-3 घंटे में फर्क पड़ना शुरू होता है, अगले दिन आके सुन लें आप फिर ठीक हो जाते हैं। परंतु लंबी बीमारी के लिए थोड़ा लंबे समय तक श्रवण करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा चलता नहीं है, बोलता नहीं है, तुतलाता है, अकलाता है, साफ नहीं बोलता, मिर्गी के दौरे या किडनी, लीवर, कैंसर, अटैक या और कोई गंभीर बीमारी हो, यहाँ तक कि विकलांगता, अपंगता, विकलांगता, दिव्यांगता जिसको सब कहते हैं, उन सभी का निराकरण करने का हम यहाँ पे पूरा प्रयत्न करते हैं और सफल प्रयत्न करते हैं और आज तक हजारों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ये शारीरिक
सुख अर्थात व्याधियाँ बीमारियाँ, इसलिए मैं इसके लिए मजबूर हुआ। ऐसे जैन संतों में ये परंपरा नहीं है कि मंगल पाठ से हम शारीरिक कष्टों का निराकरण करें, ऐसा सुना है मैं। परंतु फिर भी मैं इस मंगल पाठ को इस उद्देश्य देने के लिए बड़ा मजबूर हो गया और मैंने ये मार्ग अपनाया। संत होने के पश्चात ही मैंने मार्ग अपनाया। इसके मुख्य मेरे तीन कारण हैं। पहला कारण है, मैं सांसारिक जीवन में 7 साल पहले बहुत बीमार हुआ करता था। विगत 32 सालों से मेरे को बड़ी बड़ी बीमारियां थी, मेरा चलना भी मुश्किल होता। 3 बड़ी बीमारियों को लेकर बैठा था मैं, और उसमें हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी बीमारी वाली को दीक्षा नहीं दी जा सकती, क्यों हमारे चलने का काम है, वो चलने में सारी बाधक थी। कर्म संयोग से मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा के उसी दिन मैंने एक संकल्प लिया कि तप साधना से, मंत्रों के उच्चारण से मैं अपनी बीमारियों को ठीक करूंगा, और आज बिल्कुल ठीक। तब मैंने देखा कि मैं ठीक हो सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते। तो मैंने अपने साधना का पूरा रुख मोड़ दिया, और रुख मोड़ने के बाद आज मेरी साधना का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है कि इस पंच परमेश्वर के दरबार में जो आ जाए वो खाली नहीं जाना चाहिए, और ऊपर वाला मेरे को इतनी इज्जत बख्शी और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता जा रहा। मेरा दूसरा कारण एक और है। आज हम बड़ी सामाजिक विषमता से जूझ रहे हैं, और उसके अंदर हमारे को अनेक कठिनाइयों से भी जूझ रहे हैं। हम हमारे सनातन धर्म को और जैन धर्म को, श्रमण धर्म को मानते तो हैं, जानते भी हैं, परंतु श्रद्धा और विश्वास खत्म कर दिया। इसलिए जरा सी भी तकलीफ होती है, थोड़ी सी भी आप लोग गड़बड़ हुई, नहीं समझ में आया, दिन बीते, हम सीधे मस्जिदों में जाते हैं, मजारों में जाते हैं, वहाँ का फूका हुआ पानी पीते हैं, वहाँ पे ताबीज बुंदवा देते हैं, वहाँ पे गले में डोरा लटका देते हैं, झाड़फूक करवाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप और हम अपने धर्म पे क्यों नहीं विश्वास करें, क्यों विश्वास नहीं करते, क्यों आपको इधर उधर भगने की जरूरत पड़ती है। जब हम कहते हैं हमारे मंत्र में इतने चमत्कारी है, तो क्या आपको उस पर विश्वास नहीं रहा? मेरे को लगता है आप विश्वास करते ही नहीं हैं, इसलिए हमको बार बार भगना पड़ता है। अगर आप अपने मंत्रों पे, अपने धर्म पे श्रद्धा रखते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। और मैं इसका पूरा पुरजोर विरोध करता हूँ कि आप अपने धर्म में विश्वास रखें, इधर उधर न जाएं, और कम से कम आप मजारों पे और इस पर मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे कभी ठीक हुए नहीं, इधर का उधर, इधर का उधर, और पैसा और आपको बर्बाद करना पड़ता है। दूसरा कारण मेरा ये है। हमारा तीसरा कारण है, ये शरीर हमारा साधन है। जब आपका साधन खराब हो गया तो आपकी साधना नहीं हो सकती, और साधना नहीं होगी तो आत्मा का कल्याण और मन की शांति बिल्कुल दूर की कौड़ी है। इसलिए सबसे पहले हमारा साधन ठीक होना आवश्यक है। इसी से हम संसार का काम करते हैं, इसी से साधना करते हैं। इसलिए मैं इस साधन को ठीक करने के लिए मंगल पाठ देता हूँ, जिससे आप इस साधन को ठीक करके साधना कर सकें। हमारा तीसरा, उसके साथ में तमाम प्रकार की बीमारियों के साथ अगर आपके घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, चिकचिकबाजी है, अशांति है, यह मंगल पाठ घरेलू अशांति दूर करने के लिए बड़ा चमत्कार है। अनेकानेक परिवार के लोग आजकल अशांति बड़ी लोकप्रिय हो गई, अनेक हमारे इस मंत्र से अपने घर में शांति का अनुभव करते हैं, तालमेल का अभाव ठीक करता है, और आपस में मिल बैठ के अपनी गृहस्थी का समायोजन करते हैं। घर की अशांति इसलिए दूर करनी आवश्यक है, अगर आपके घर में अशांति सुबह से लेके हम रामायण से आरंभ करते और शाम तक महाभारत पे छिड़ जाते हैं तो हम साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें साधना नहीं होती है। मान लीजिए आप सामायिक लेके बैठ गए, या अपने कमरे में एक मंदिर बना रखा है, वहाँ जाके माला फेर रहे हैं, और घर में रसोई में सास बहू में झगड़ा हो गया, आवाज़ तेज आने लगी, ना आप सामायिक कर सकते हैं ना साधना कर सकते हैं, सारा ध्यान वहाँ लगेगा, और कभी कभी इनको उठ के बीच में बचाना पड़ेगा। इसलिए हमारे घर में शांति बड़ी आवश्यक है। हमारे साथ में एक मानसिक अशांति बहुत रहती है, आज के वातावरण में मानसिक अशांति हर व्यक्ति में घुसती है, इससे मनोबल गिर जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और ऐसा तनाव में आया व्यक्ति अपना कोई कार्य सार्थक नहीं कर सकता, जो भी कार्य करेगा उल्टा पड़ेगा, और
चिड़चिड़ स्वभाव हो जाएगा, लड़ाकू स्वभाव हो जाएगा, सोते रहने का मन करेगा, कई तरह की विकृतियाँ जाती है। यह मंगल पाठ उन तमाम प्रकार की मानसिक चिंताओं को दूर करके मनोबल को बढ़ाता है। हमारे जीवन में मानसिक तनाव को दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना मानसिक तनाव के आप कोई काम सरलता से कर भी नहीं सकेंगे। मान लीजिए हमारे भाई लोग व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के अंदर आपको पैसा लेने की आवश्यकता पड़ी, 10-12 लोगों से आपने उधारी ले ली व्यापार के लिए, समय का सहयोग आप चुका नहीं पाए। ऐसे में मांगने वाले आपके घर पे आते हैं, बड़ी बेशर्मी से बात करते हैं, बेइज्जती वाली बात करते हैं और आपका भला बुरा कहते हैं। ऐसे समय में आपको मालूम है आज 6 जने मेरे मांगने आने वाले हैं और कोई कहते हैं कोई बात नहीं, जाके माला फेर लो, ये समय कर लो, आप नहीं कर सकेंगे। हवा से भी दरवाज़ा खटखटाएगा तो आपको ऐसा आवाज होगा कोई मांगने वाला आ गया, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए आपको किसी प्रकार का इसमें लाभ नहीं मिल सकता, अशांत रहेंगे। यह मंगल पाठ मानसिक शांति करने के लिए, तनाव से कम करने के लिए या मनोबल बढ़ाने के लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। साथ में हमारे बच्चे बड़े होते हैं, शादी के लायक बनते हैं, किन्हीं कारणों से शादी होती नहीं, उम्र पार कर जाते हैं और विवाह की उम्र जब पार जाती है तो माता पिता को बहुत चिंता होती है। जहाँ भी मेरा लड़का बताओ, कोई लड़की बताओ, लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, यही बात करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु लड़का बड़ा हो गया, फटाफट शादी करा, तेरे साथ जोड़े से आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वही भी ऐसे करते हैं। यहाँ तक कि संतों के आते हैं तब भी आप यही प्रार्थना करते, हमारे साथ छोरा बहुत बड़े गया, अड़ी मांगी दो बस ठीक हो जाए, यहाँ पर भी यही बात करते हैं। और यही बात मैं कह रहा हूँ, शादी ब्याह में आने वाली तमाम रुकावटों को ये दूर करता है, बाधाओं को दूर करता है, यथा समय यथा योग्य वैवाहिक संबंध को सक्रिय करता है और विवाह के बाद भी अनेकों तकलीफ आती है उसको भी ठीक करता है। साथ में हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देते हैं, कोई CA कर रहा है, कोई IAS कर रहा है, कोई RTS कर रहा है, कोई बैंक का भर रहा है, तरह तरह के हम करते हैं और उसके अंदर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। पर्याप्त मेहनत करने के पश्चात भी हमारे बच्चों का रिजल्ट आता है 4-5 नंबर पे रह जाते हैं, कई तरह की शैक्षिक रूप से शिक्षा के संबंधित बाधाएं आती हैं। जब बच्चे बहुत मेहनत करने के पश्चात भी फेल हो जाता है 4-5 नंबर से तो उसका मनोबल इतना गिर जाता है, अपने आप को खोता है। और यही बात अगर 3-4 बार हो जाए तो बच्चा बिल्कुल निराश हो जाता है, मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, कभी कभी मेरी किस्मत ही खराब है और कभी सामाजिक पारिवारिक कारणों से गलत कदम भी उठा लेते हैं। यह मंगल पाठ तमाम प्रकार की बाधाएं जैसे याद नहीं रहना, परीक्षा की तैयारी नहीं होना, भूल जाना इत्यादि के अंदर वो सुगमता लाता है और आपका सहजता से आगे बढ़ाता है। हमारे यहाँ पे व्यापारिक तरह की बहुत समस्या रहती है, नौकरी में व्यापार में समस्या, कभी व्यापार चलता है कभी नहीं चलता है, कभी उधारी तो कभी कर्जा, कभी पैसा फंसने का डर तो कभी मुकदमा बनता है, तो और भी कई तरह की समस्याएं इस व्यापार में रहती है। तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण इस मंगल पाठ से होता है। साथ में हमारे भारतवर्ष में एक और बड़ी बाधा रहती है जिसको हम ऊपरी बाधाएं कहते हैं। ऊपरी बाधाएं में जैसे किया, करणा, टोने, टोटके, देवी देवता, पितर, भूत बहुत है, जिनके घर में ये प्रवेश कर जाते हैं उनके घर में भी विनाश लीला छा जाती है। यह मंगल पाठ तमाम प्रकार की ऊपरी बाधाओं को दूर करता है। जब हम ये बात करते हैं तो हमारे को बड़ी हंसी आती है, हंसना पड़ता है, महाराज जी भी कितना बेवकूफ बनाने मास्टर, बस अणु काम गई है, लोगों ने फुसला बेवकूफ बनाना, अगर यूं हुआ तो बस डॉक्टर कहीं कर लेगा, एम बेटा जाओ मंगल पाठ सुन लो, ए महाराज जी अगर यूं नहीं बोली तो अणु आवेला कौन पूछेगा, आनी तो दुकानदारी चलानी पड़ी ना, अपने मन में अड़ी कल्पना हो आने भी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको किसी पे श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हुए, जब तक आप उल्टो पुलटी सोचा, निश्चित रूप से मैं भी अड़ी सोचता, इन वास्ते आपने इतनी बात मैं इन वास्ते बता रही हूँ कि मैं इन्हें विज्ञान बता रही हूँ, इन्हें लॉजिक बता रही हूँ कि और मंगल पाठ किकर काम करे, सच में कोई काम करे या नहीं करे। अगर मैं आपने बताया तो बहुत उदाहरण माना जिसका मंगल पाठ सुन लिया ना आपने ठीक हो रही है, परंतु किकर ठीक करे और समझना बहुत जरूरी है।
जब तक आप हर चीज ने नहीं समझाना, जब तक आप श्रद्धा और विश्वास नहीं कराना। मैं आपसे थोड़ा सा विज्ञान बता रही हूँ कि वो मंगल पाठ 3 बजे 4 बजे, मैं थोड़ा सा विज्ञान बता रही हूँ। आप जिको भी काम करा, अपने मन में मान जिको सोचियो, एक विचार मन में आयो तो आपने तुरंत आपने शरीर में एक ऊर्जा प्रकट और वह ऊर्जा काम करनी शुरू कर। मान लो मारे मन में आयो कि रुमाल पड़ियो मारो, मैं अटी ने रख दूँ, मारे सिर्फ विचार करी हूँ पर मारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा हुई, मैं अटी नू लेने अटी ने रख दूँ और मारा काम खत्म कर दिया। इन्हें तरह जब कोई विशेषज्ञता प्राप्त करनी हो, विशेष काम करना हो, तो आपने विशेष मेहनत करनी पड़ेगा। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो पास हो रहे हो, आगे चल रहे हो, पर आप लक्ष्य ले लियो, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने CA बनना है, मैंने RGS ऑफिसर बनना है, तो आपने बहुत कठिन परिश्रम अलगों करना पड़ेगा, तो ही आप पास हो सको, नहीं तो नहीं रह सको। इन्हें तरह आध्यात्मिक जगत में मायने भी अपने अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी चाहे, कोई लब्धि प्राप्त करनी चाहे, तो उन्हें त्याग तप तपस्या बहुत ज़्यादा करनी पड़े और उन्हें बहुत कुछ त्याग करना पड़े। इन वास्ते सबसे पहले राग द्वेष ने खत्म करना, जिन मन में भी राग द्वेष है वो तब साधना में आगे नहीं बढ़ सके, सिद्धियाँ नहीं मिल सके। एक दूसरा और नियम अपनाना पड़े कि इन मंगल जिसको भी आप सिद्धि लब्धि प्राप्त करो, उन्हें निमित्त कोई भी लाभ नहीं ले सको, ना कुंड अग्र बात जितो भी आप लाभ नहीं ले सको, आप लोग हित नहीं सोच सको, तो ही दे देंगे। इन्हें त्याग करना बहुत जरूरी है और इन्हें अपनाना भी जरूरी है। राग द्वेष खत्म कर लो और प्रेम सुहाग सबने। अब मैं तो एक ऊर्जा एक्स्ट्रा, इन वास्ते अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी और जितनी भी अतिरिक्त मेहनत करा उन मायने अपने एक ऊर्जा प्राप्त। मैं लोकश्री साधना शुरू करी, मैं आपने बताया मैं बहुत बीमारियां करता हूँ और दीक्षा हुई बीमारी, अचानक दीक्षा हुई, कोई प्लान नहीं, तो कोई वैरागी नहीं बनिया, मैं की नहीं बनिया और पट करने दीक्षा हुई, तो मैं उन टाइम माने एक प्रतिक्रमण जानना बहुत जरूरी है, दीक्षा दे से कम से कम इतना तो जानना जरूरी है, मैंने वो भी नहीं आता, नौकार मंत्र रहा मन की आते ही नहीं, जो ही मैं दीक्षा लेने नौकार मंत्र और प्रतिक्रमण सीखना लोगस सामने आए, कि लोगस कभी जिंदगी में पढ़ियो नहीं, पर उन्हें आँखें मैं चमक आई और मैं उन दिनों लोगस की साधना करी। 6 महीना बीत गया, 6 महीना माने एक ऊर्जा की आपूर्ति हुई और ऊर्जा इतनी आई दोनों ठीक होने लगे। माँ ने समझ नहीं पाया कई कारण बढ़े, पर धीरे धीरे सब जन ठीक होने लग गया, मैं भी ठीक होने लग गया। जर मन मालूम पड़ी इन मंत्रा में इतनी ताकत, अरे मैताल की करी नहीं, 6 तो महीना होया मैंने, आगे कोई तप साधने वाली कोई विशेष है नहीं, उन्होंने पहले ऊपर वालों मैंने इतनी ताकत बरस दी, अगर मैं मारो ध्यानपूर्ण तप साधना में कर दूँ तो मैंने कहीं मिलेगा, बस वही कारण बनी हो कि मैं मारो सब ध्यान तप और साधना में लगा दी। और आज इतो ऊपर दियो मैंने, इतो अट दियो कि जितो मैं करियो नहीं उन्होंने ज़्यादा तो दे रही हूँ और उन्हें मैं बांट रही हूँ। बांटन में भी एक छोटी सी आपने बताऊँ क्यों बांटन लगा दिया। मारी दीक्षा अचानक हुई, घरवालों ने पतो पड़ियो, मैं लेना आ गया, आया जरा हमारे मेहंदी लाग गई थी, मन समझ गया अबे दीक्षा ले ली, अबे पाचा नहीं आओ बंदोड़ा काम जावता, मारे सांसारिक धर्म पत्नी आते थी, मैं मन कह अब मैं दीक्षा ले रही हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ धर्म ध्यान में ध्यान दूंगा, स्वाध्याय में ध्यान दूंगा और तपस्या में ध्यान दूंगा, और मैंने मना कर दिया, नहीं गलत करो ला, देखो भाई गलत क्यों करो ला, अब और कोई काम है तो आप एक चीज़ मैंने कही कि देखो आज तक आप कमाए खाए खिलाए सब कुछ आप ही कमाए, अब तो आप समाज रमाने रहोगा, समाज रखाओगा, समाज रह पियोगा, आप रखेंगे खाली खाने सीखो ना देखो नहीं सीखो। अब बात मैंने इतनी गहरी लगी और मैं सोचिए हमारी सांसारिक पत्नी कितनी बड़ी बात करती है, तो मैं जो मारे तो किया है नहीं, तो वह मैंने एक चीज़ कही आपने 80 ज्ञान को भंडारे उजागर रहना और आपने स्वयं सिद्धियाँ प्राप्त करना। आप बात कही उनके मजाक समझी परंतु बात तो मैं देख बस आप जिंदगी में बांट कर जो आपकी संग्रह जितनी उपलब्धि हो बांट कर जो और वह हमारे दादी मैं तो पहले गुरुनी आ गई आज भी वह हमारी गुरुनी है और मैं उन्हें नक्शा कदम चालियो तो आज मैंने कितनी उपलब्धि मिली उनका कारण है तो हमारे सांसारिक धर्म पत्नी इन वास्ते आप उपलब्धि मिली। अब इन उपलब्धि में मैं साधना करूँ
आठ साल सात साल निरंतर साधना में मारी चले अपने मालूम पड़े तैयारी में यू कर दिया न्यू कर दिया उम्मीद पर आलोचना कर सकता पर अपने वो मालूम नहीं पड़े तैयारी में जो जीवन कैडो वेला कैडा जीता वेला कैडा साधना वेला मालूम नहीं पड़े तो मैं और कह रहा हूँ कि इन साधना करा तो एक ऊर्जा मिलिया करे ऊर्जा दो तरह की है एक नकारात्मक है एक सकारात्मक है चोर डाकू हिंसक लुटेरा मानव में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है मानव भी बदले नहीं जाता है और जिसका संत तपस्वी सन्यासी अन्य महापुरुष मानव में भी ऊर्जा है पर अंतर है एक में नकारात्मक एक में सकारात्मक और नकारात्मक एक बुलाएगी जो मानव आपको 20 लाख रुपया तक के फंसा दिया गुंडागिरी कर देवे आप एक गुंडा बन गया भाई हमारा 20 लाख फंस गया तो मैंने गिरा वो कह ठीक है गिरा दो आपने 20 लाख 20,000 रुपया मैं एडवांस दूंगा ठीक ले लें आप 20,000 रुपया जेब में डाल ले गया पर जो भी उन्होंने आपा मंडल ने उन्नी ऊर्जा में आया आपका विचार बदले ना वो तो नहीं देवेलाक नहीं देवेला मैंने फंसा नहीं दे रहा उल्ट तो मारे मन ही नहीं फंसा दे कई तरह उल्टा विचार आया परंतु आप अटाया मैंने जानो या न जानो मारो चेहरा जानो या नहीं जानो मारो नाम जानो या नहीं जानो घरों अटे रवान होते आप हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आएंगे आपा मंडल में आएंगे घर रवान होते हमारी ऊर्जा क्षेत्र में और सकारात्मक तो आपने निश्चित विचार आया वाला कि मैं जाऊँ संत का दर्शन करा और ज्ञान की बातें सुना मंगल पाठ सुना मानव कल्याण मिला इतने और इन्हें केवल सकारात्मक आ ऊर्जा जिन्हें आप आभा मंडल के वहाँ इन्हें दृढ़ करने वास्ते कुछ नियम लगा देता है बड़े कठिन नियम होया करे तो लगती मिले और जिन्हें लगती मिले उन्हें सबसे पहली एक लगती पहली आवे उन्हें केवल वचन सिद्धि अचानक जी को शब्द निकल गया और पत्थर ही लगी रहे कोई भी पंडित नहीं कर सकता बाकी लगते बाद में धीरे धीरे तो आए जो लगती का कारण बने मैं अपने इन ऊर्जा जब लेनी इतनी तपस्या है तो आपने सुनने वास्ते भी कुछ नियम अपनाना पड़े और वे नियम है सबसे पहले माना नियम है इन मंगल पाठ सुनना कि आपने मंगल पाठ सुनता समय हाथ जोड़ना जरूरी वो हाथ जोड़ना आप सोचते हो महाराज जी ने कौन हाथ जोड़े तो लेकिन मान लो महाराज जी ने हाथ तो जोड़े ऐडी बात नहीं हाथ जोड़ने का मतलब है इन पूर्ण श्रद्धाओं सुनना पड़ेगा इतनी श्रद्धा भर दो इतनी श्रद्धा भर दो इतनी श्रद्धा भर दो कि मैं गहरे मुनि जी ने सिद्ध प्रयोगी लोकस मांगिक सुन रही हूँ और मन कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती और जी की तकलीफ है वह भी मारे जा रही है जिन दिन आपने मान इतनी श्रद्धा भर जाला आपका काम होता जाला जो जो आपने मान श्रद्धा भरी जाला जो जो आप काम बुद्ध ज्यादा बिना श्रद्धा की भी नहीं रहे कितनी मांगी सुनिए इन वास्ते हाथ जोड़ने विधान है इन हाथ जोड़ने में आपने पूर्ण श्रद्धा सुन जो सत्य आंखें बंद रहो इन वास्ते आप एकाग्र रहो और मन में मन चिंतन करो चिंतन जिनकी आपने समस्या है उन्हें चिंतन करना चिंतन में मान्य रहा है रही सब लगाना और सकारात्मक में हमारी तबीयत ठीक हो रही है हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है और सिक्को भी करो अपने पीछे रहा है रही है सब लगाना है हो जाएगा होना चाहिए होगा नहीं लगाना है मंगल पाठ के बीच में आपने की भी नहीं बोलना है केवल और केवल मंगल पाठ सुनना है बोलने का काम मारो सुनने का काम आप रहो मैं जो वर्ण करता रह जाओ और 3 मंगल पाठ समाप्त हुए तो आप अपनी हथेली में रगड़ जाओ और शरीर मात्र 3 बार चिंतन के साथ घुमाई जाओ माने मंगल पाठ टाइम हो गया तो मैं कह देता हूँ कि अपने इन मंगल पाठ की सुनता टाइम हो रही मोबाइल सारा साइलेंट कर दीजिए ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं रहे और मंगल पाठ सुनता और विशेष बात इन मंगल पाठ में सुनता हुआ आपको आपके मन की हाथ जोड़ लिए और चिंतन करो चिंतन के माने एडो लाइज कि वास्तव में माने हमारे जो की समस्या है और दूर होती जा रही है इन चिंतन के माने आंखें बंद करना अंदर उतर दी अंदर की तरफ देख जाओ बारह आंखें बंद करा दे बारह का ध्यान टूट जाता है बारह ध्यान कर जो कोई भी की भी करे आपने कोई लेना देना नहीं आप तो माइंड कर दो आंखें बंद करना अंदर जितनी समस्या है उन पर ध्यान केंद्रित कर दो शरीर समस्या है आप उन पर ध्यान केंद्रित कर दो परिवार में है तो ऐड चीज है बस परिवार में बहुत शांति हो रही है एडो चिंतन करते हो मान्य कर दो शादी ब्याह रही है एडो लागना चाहिए जो मंडप में बैठा शादी कर रहे हैं एडो लागना चाहिए और आप चिंतन कर दो अगर पढ़े रहे तो पढ़े जितनी भी चीज दिक्कत है उन्हें चिंतन कर जाओ और उन्हें अंतर उतार करो चिंतन करता अंतर उतार करो।
जड़ी जड़ी की समस्या चाहे व्यापारी हो उन्हें अंदर आदमी आप बिल्कुल अंदर ही तरफ लीजो, धीरे धीरे अंदर उतरता जाइए और उतरता उतरता चिंतन करता करजो कि हमारी समस्या दूर हो रही है। मंगल पाठ चले ला और उन बाद में मंगल पाठ समाप्त हो जाएगा तो आप रगड़ने तीन बार घूमो और मैं जो आगे कहूँ तो देख करता रहेगा और चुपचाप और शांति रह सकते बोल रहा था सब ने डिस्टर्ब होगा सब ने योगदान पैदा हो जाएगा व्यवस्था कम से कम करते शांति से शांत होगा। जिन्हें भी कितनी पार्टी बनानी है जिन्हें भी गरज बात पूरी नहीं व्यक्त करिए तो घर जाकर बात ज़्यादा चले ताकि सब ने योगदान पैदा नहीं हो। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, मंत्र बीच में बोलूंगा नहीं, एक बार आप समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बच्चा ने विशेषकर शांति कर दीजिए क्योंकि बच्चा थोड़ी देर में फिर उठ जाए और माता पिता चिंता करें। मंगल पाठ दे रहा हूँ मैं, आंखें बंद करें हाथ जोड़ें और चिंतन आरंभ करें। अंदर आंखें बंद करके चिंतन करेंगे तो ही आपका ध्यान लगेगा नहीं तो इधर उधर ध्यान भटक जाएगा। आंखें बंद करें हाथ जोड़ें और चिंतन आरंभ करें। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायणं नमो लोई सब साहुणं ऐसो पंच नमकारो सब पाव पणासन मंगलाणं च सब्वे सिंह परमं भवाई मंगलं लोकस्य उच्चो यमरे दम तित्यरे जिणे अरिहंते कितिसं चौबीसं केवली उसव मजियं च वन्दे संभव मभिनंदनं च सुमयं च पौंपहं सुपासं जिणं च चंदपहं वन्दे सुवीं च पुपदन्तं सियल सिजं च वासुपुजं च विमलमणन्तं च जिणं दम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभ्यं नमि जिनं च वन्दामि ऋतनेमिं पासं तवत्तमणं च एवं मये अभित्वा विहुरिरमला पञ्चर्मरणा चौविसंपि जिनवरा तिथिरा मे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय महिया जे ए लोकसुत्तमा सिद्धा आरुक्य बोहि लाभं समाहि वरम चंदेशु निमलेरा ऐचेशु अयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साभु मंगलम केवली वणत्तो तम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरियंते लोकोत्तमा सिद्धे लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवच्यामि अर्यन्ते शरणं पवच्यामि सिद्धे शरणं पवच्यामि साहु शरणं पवच्यामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवच्यामि अर्यन्तों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दयाधर्म का शरणा ये चार शरण दुखरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो वो प्राणी करे आराधन मंगल की मंगल होगा और सबका मंगल होगा। अब आप अपने अकेले को रखें और चिंतन करें मंगल पाठ होता है शुरू। अब समस्या की तरफ जाएं जहां आपको समस्या है अंदर उतरने का प्रयत्न करें और
और जितना गहरे से उतरे उतरे उसमें और चिंतन के साथ उतरे, ये मेरी समस्या ठीक हो रही है। चिंतन आरम्भ करते हैं, मेरा भी चिंतन चलेगा, चिंतन के विषय में पाठ शुरू हो जाएगा। गुरु की आज्ञा से नमो अरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोय सौवसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं अवाई मंगलम् लोकस्य उज्जोय करे दम्पित्यरेजिने अरिहंते कितिसं चौवीसंपि केवली उसव मज्जियं च वंदे संभव मभिनंदनं च सुमयं च पौंपहं सुपासं जिनं च चंदपहं वंदे सुविं च पुपदंतं सियल सिजं च वासुपुजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसूक्त्यं नमि जिनं च वन्दामि ऋट्नेमिं पासं त्वद्मणं एवं मैं अभित्वा विहुये रमला पहिंजर मरना चौवी संपी जिनवरा तित्यरा में पश्यंत कित्तिय वंदिय महिया जे ए लोग सुत्मा सिद्धा आरुक बोही लाभं समाही वर मुत्तमं बिंदु चंदेसु निवजेरा आईचेसु अयं प्यासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चत्तारी अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम केवली पणक्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंते लघुत्तमा सिद्धे लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणक्तो धम्मो लघुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा ये चार शरण तो करण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी
करे आराधन उन सबका मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही हो मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। अपने अतिरिक्त पावन हृदय और चिंतन के साथ शरीर में मन और साथ में जहाँ पे भी दर्द है, छोटे बच्चे आपके पास में जिनको कोई तकलीफ है, उनके अतिरिक्त कभी मन या दर्द है कि मेरे चिंतन की तरह अब हम आगे चलते हैं। अब और थोड़ी गहराई में और थोड़ा अंदर जाएं और अंदर जाते जाते वहाँ पे कौन सा का प्रयत्न करें एकाग्रता के साथ जहाँ आप सभी चिंतन हुए वापस चिंतन के अंदर जाएं, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें, मेरा चिंतन के साथ आपके अंदर चिंतन होगी और चिंतन के अंदर फिर वापस मंगल पाठ शुरू हो जाएगी। पर इसमें चिंतन मुख्य है और अंदर गहराई शुरू करते जाएं, आस पास की दुनिया में भूल जाएं, अपने आप फोन करते हैं और उस जगह पर पहुँचे जहाँ आपको तकलीफ किसी भी तरह की। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और चिंतन आरंभ करें, मेरा भी चिंतन चलेगा, चिंतन के बीच मध्य मंगल पाठ शुरू हो जाएगा। गुरु की आज्ञा से नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सौपसाहुणं ऐसो पंच नमकारो सब पाव पड़ासन मंगलानं च सवेसिं परमं अवाय मंगल लोकस्य उज्जोय करे दंत तिरे जिने अरिहंते कितिसं चौबीसंपी केवल उसब मध्यम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयम च पौंपहम सुपासम जिणम च चंदपहम सुविं च पुपदंतम सियल सिजंत वासुपुजं च विमल मणंतं च जिनं दम्मं संतें च वंदा कुंतुं अरं च मल्लिं वन मुनिसुप्यं नमी जिनं च वंदामि रिटनेमिं पासं तवत्तम एवं मै अभित्वा विहुय रमला पहिंजर मरणा चौबीसंपी जिनवरा तित्यरामे पश्यन्तु कित्तीय बंदीय महिया जे ए लोक सुत्तमा सिद्धा आरुक बोहिलाभं समाहिवर मुत्तमं दिन्त चंदेशु निवलियरा
ऐचेसु अयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु चत्तारी मुनि अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी दुगुत्तमा अरिहंते गवत्तमा सिद्धे गवत्तमा साहू लवत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लवत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रवृत्त दया धर्म का शरण ये चार शरण तो करण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उन सबका मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा। आप अपनी अर्थ में वापस शरण लें और चिंतन पुनः आप और गहरे और गहरे सोचने के समय आप अपनी उन चिंता को याद करें जितना गहरे होकर सकते उतर जाए और गहरे में जाए आपको एक अलग से अनुभूति होनी आरंभ हो जाएगी। जैसे जैसे गहरे में डूबेंगे आपको चिंताएं जो आपको आ रही है वो सामने दूर होती ऐसी नजर आएगी कि वास्तव में मैं अच्छा हो रहा हूँ और मेरी परेशानी समाप्त हो रही है। परंतु कभी आप सारा कुछ छोड़ के आंखें बंद करके और गहरे से अपने आप में पढ़ना शुरू करते हैं आरंभ करें आंखें बंद करें और चिंतन आरंभ करें मेरा भी चिंतन चलेगा चिंतन के मध्य मगन मन शुरू गुरु की आज्ञा से नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो ऐरियाण नमो उवज्जायण नमो लोय सवसाहुण ऐसो पंच नमकारो सव पावपणासनो मंगलार्णंच सव्वेसिं परमं अवाई मंगल लोकस्य उज्जोयगरे दंतित्यरे जिने अरिहंते कितिसं चौबीसंपी केवल उसब मजियं च वंदे संभव मपिनंदनं च सुमयं च पौंपहं सुपासं जिणं च चंदपहं वंदे सुविं च पुपदंतं सियालसिदंच वासुकुजंच विमलमणंतं च जिनं
दम्मं संतिं च वन्दामि, कुन्तुम अरं च मन्दिम मन्दिम, मुनिसुप्यं नमीचिनं च वन्दामि रिठनेमिं पासंतवत्तमन। एवं मैं अभित्वा विहुय रमला पहिंजर मरना चौवी संपी जिनवरा कित्यरा में पश्यंत कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोकसुत्तमा सिद्धा आरुक बोहिलाभं समाहिवर मुत्तुमं दिन्तु चंदेशु निवलेरा ऐचेशु अयं प्यासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़तो दम्मो मंगलम चत्तारी लगुत्तमा अरिहंते लगुत्तमा सिद्धे लगुत्तमा साहू लगुत्तमा केवली पड़तो धम्मो लगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रर्पित दया धर्म का शरण ये चार शरण तो करण जगत में और न शरणा कोई होगा जो बहु प्राणी करे आराधन उन सबका मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा। अपने दिल का प्रश्न कर और फिर एक बार चिंतन के साथ मैं ये चिंतन के साथ ही खोलें और अब फिर अभी जब भी अपना दुर्पण है और गहरे जबकि जितना गहरे में उतरेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। गहरे में उतरे आंखें बंद करके पुनः अपनी उस चिंता को याद करते हुए उसके समाधान है तो ये मेरी बाधाएं ये चिंताएं दूर हो रही है इस प्रकार। और अब जब आप तीन बार हाथ फेरते हैं तो अब एक नई भी आते समय अपने शरीर से झटक दें कि मेरी बाधाएं दूर। जब तीन बार आप करेंगे अब झटका शुरू कर दें क्योंकि आपकी चिंताएं ऊपर से जो आपकी जैन मारी है अब उसको दूर करने का समय आ रहा है तो आप इसको दूर करने के लिए और गहरे डूबें। जितना गहरे के अंदर डूबेंगे आपको एक अलग से अनुभूति आरंभ हो जाएगी और आप उसको गहरे से निकालें। आपके मन करें हाथ जोड़ें अंदर फिर चिंतन आरंभ करें और अंदर गहरे से उतरने की कोशिश करें। आप देखो थोड़ी देर में आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपके आसपास में कुछ नहीं केवल चिंता और उसका समाधान और आप धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। आंखें बंद करें हाथ जोड़ सकते हैं
अज्ञा से नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंच नमकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं अवाय मंगल लोकस्य उज्जोय करे दंति करे जिने अरिहंते कितिसं चौबीस अंकी केवल उसब मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयम च पौं पहं सुपासं जिनम च चंद पहं मन सुवीं च पुपदंतम सियाला सिजंस वासु कुजम च विमल वणंतम च जिनम दम्मं संतिं च वंदा कुंतुम अरं च मल्लिम वंदा मुनिसुप्यं नमी जिनम च वंदामि रिठनेमिं पासंतवत्त मंत्र एवं मैं अभित्वा विहुय रमला पहिंजर मरना चौवी संपी जिनवरा तित्यरामे पश्यंत कित्तिय वंदिय महिया जे ए लोक सुत्तमा सिद्धा आरुक बोहिलाबं समाहिवर मुत्तमंतिन चंदेशु निमलेरा ऐचेसु अयं प्यासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो दम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरिहंते लोगुत्तम सिद्धे लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पणत्तो दम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रर्पित दया धर्म का शरण ये चार शरण तो करण जगत में और न शरणा कोई होगा
जो भव प्राणी करे आराधन उनका अजर और भगवत सबका मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। अपने अपने का भजन पाए और ये जो फोन बचन टैलेंट कर पाए बात कर सकते हैं टैलेंट को देना चला। अब आपको आगे और बढ़े हम लोग आगे बढ़ते हुए आप थोड़ा सा ये भी चिंतन आरम्भ करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और थोड़ा सा धीरे धीरे और अंदर जाने का प्रयत्न करें और अपने गहराई में उतरें, पुनः चिंतन आरंभ करें। चिंतन के बीच में मंगल पाठ शुरू हो जाएगा। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और चिंतन गुरु की आज्ञा से। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमकारो सब पाव पड़ासन मंगलाणं च सबे सिंह परम हवाई मंगल लोकस उज्जोय करे दंति तेरे जिने अरिहंते कितिसं चौवीसंपी केवल उसब मध्यम चवंते संभव मभिनंदनम च सुमयम च पौंपहम सुपासम जिनम च चंत पहम वंदे सुविम च फुकदंतम सियल सिदंस वासुपुजं च विमलमणंतं च जिनं धम्मं संतिं च वन्दामि कुन्तुं अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुप्यं नमि जिनं च वंदामि रिटनेमिं पासंतबद्धमणं एवं मैं अभित्वा विहुय रमला पैंजर्मरणा चौवीसंपी जिनवरा तित्यरामे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोक सुतमा सिद्धा आरुक बोहिलाभं समाहिवर मुत्तुमंदिन चंदेसु निमलेरा आईचेसु अयंपयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु
सिद्धा सिद्धि मम विषय चत्तारी मंगला अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम चत्तारी लगुत्तमा अरिहंते लगुत्तमा सिद्धे लगुत्तमा साहू लगुत्तम केवली पड़तो धम्मो लगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रकृति दया धर्म का शरण ये चार शरण दुखरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो बहु प्राणी करे आराधन उन सबका मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा अपनी अब हम आते से ऊपर पहुंच गए इसलिए हमारे चिंतन में अब एक चिंतन और जोड़ दीजिए अब आप एक चिंतन और करें कि जहां पे भी आपको तकलीफ शारीरिक तकलीफ मालूम पड़ती है जहां पे भी आपको थोड़ी बहुत शारीरिक तकलीफ दिखाई दी अब उसमें फर्क पड़ना आरंभ हुआ या नहीं हुआ ये भी थोड़ा आकलन करते हुए चिंतन करें जिसके भी शारीरिक कमर में दर्द उधर कहीं पे भी है एक चिंतन और साथ में रखते हैं कि अब आपके थोड़ा आराम होना क्यों आगे से ऊपर पहुँच गया था इसलिए ये भी आप धारण करें और इस चिंतन के साथ पुनः अंदर और गहरे से उतरें ताकि और ठीक हो सके और जिसके नहीं हो उनका आराम हो सके आंखें बंद करें हाथ जोड़ें और चिंतन आरंभ करें मेरा भी चिंतन चलेगा चिंतन के बीच में ये मंगल पाठ शुरू हो जाएगा आंखें बंद करके चिंतन गुरु की आज्ञा से नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अयनियानं नमो उपज्जायनं नमो लोए सप्वसाहुनं ऐसो पंच नमुकारो सव पाव पणासनो
मंगलानंच सवेशिं पड़वं अवाई मंगल लोकस्य उच्चोये करे दंतित्यरेजिने अरिहंते कितिसं चौवी संपी केवली उसब मजियं च वंदे संभव मभिनंदनं च सुमयं च ओम पहं सुपासं जिनं च चंद पहं वंदे सुविं च पुखदंतं शियला सिजं च वासुपुजं च विमलमणंतं च जिनं धम्मं संतिं च वंदामि कुन्तुं अरं च मल्लिं वंदे मुनिसुभ्यं नमि जिनं च वंदामि ऋठनेमिं पासंतवद्धमणि एवं मैं अभिद्वा विहुय रमला पहिंजर मरना चौवी संपी जिनवरा तित्यरा में पश्यंतो कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोग सुत्मा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहिवर मुत्तुमं देन्तु चंदेसु निमल्यरा ऐचेसु अयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मंदिशन चत्तारी मंगल अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लगुत्तम अरिहंते लोगुत्तमा सिद्धे लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्ररूपित दया धर्म का शरण ये चार शरण तो करण जगत में और न शरणा कोई होगा जो बहु प्राणी करे आराधन उन सबका मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा आपको एक बार सुना लोग उनकी तरफ जाए अब साथ साथ में आप ये भी चिंतन करें कि आपके फर्क पड़ना शुरू हुए हैं और कब कब पुलिस इसका कारण होना चाहिए जिनके भी सारे
इसलिए इस चिंतन को भी साथ रखें। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हम समापन की तरफ भी जा रहे हैं और इस चिंतन को दो मांगे और हमें समर्थन से पूर्व, इसलिए अब जितना ध्यान अंदर लगा सकते हैं आप अंदर जाएं। अब हम समापन की तरफ हैं, इसलिए पूर्ण ध्यान में डूब जाइए और अपनी चिंता को बाहर निकाल दीजिए और इस प्रकार अनुभव कीजिए मेरी सारी चिंता दूर हो रही है। इस प्रकार का चिंतन करें और जहाँ पर भी आपकी कुछ तकलीफ है उस पर हाथ लगाएं, थोड़ा सा मूवमेंट करके देखें, हिलाते देखें, थोड़ा सा लाभ हुआ है नहीं हुआ आपको निश्चित रूप से आपको लाभ अनुभव होगा। जिसके भी नहीं हुआ वो और गहरे में जाने की आवश्यकता है ताकि आपको लाभ होना आरम्भ हो जाए। आँखें बंद करें, हाथ जोड़ें और चिंतन के साथ सुने। चिंतन आवश्यक है, चिंतन में आप बोल में नहीं बात में करेंगे, चिंतन करना मैं चिंतन करने की चिंता हो जाएगी नहीं तो सबको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना बिना शब्द मुंह से निकाले तभी आप गहरे में जा पाएंगे। आंखें बंद करेंगे तभी गहरे में जा पाएंगे। आंखें बंद करें और चिंतन आरंभ करें। मेरा भी चिंतन चल रहा है, चिंतन के बीच गुरु की आज्ञा से नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यत नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सब साहुण ऐसो पंच नमकारो सव पाव पणासनो मंगलान च सवे सिंह परम हवाई मंगल लोकस्य उज्जोय करे दंति केरे जिने अरिहंते कितिसम चौविसंपी केवल उसव मज्यम चवंदे संभव मभिनंदनम च सुमयम च पौंपहम सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे सुवीर च पुपदंतम शियल सिजन च वासुभुजम च वासुपुजं च विमलमणन्तं च जिणं दम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिपवन्दे
मुनि सुप्यम नमी जिनम च वंदामी रिठ नेमिं पासंत वत्त मन एवं मैं अभिद्वा विहुई रमला पहिंजर मरना चौबीस संपी जिनवरा तित्यरा में पश्यंतु कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोकसुतमा सिद्धा आरुक बोहिलाभं समाहिवर मुत्तमं दित्तु चंदेशु निमलियरा ऐचेशु अयं प्यासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मंदिशंतु सिद्धा सिद्धिम मंदिशंतु चत्तारी मुलं अरिहंता मुलं सिद्धा मुलं साहू मुलं केवली पणत्तो धम्मो मुलं चत्तारी लोगत्तमा अरिहंते लोगत्तमा सिद्धे लोगत्तमा साहू लोगत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जा अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रवृत्त दया धर्म का शरणा ये चार शरण तो करण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उन सबका मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा और मंगल ही मंगल होगा। अब ये शिविर का अंतिम मंगल पाठ होगा, इसलिए अंतिम मंगल पाठ के अंदर आप एक बार पुनरावृत्ति करें अपने शरीर के ऊपर सारी जगह आप जहाँ पे भी आवश्यक है आया होगा आना चाहिए और जिनके न्याय पूर्ण रूप से ध्यान लगा दें। ये इस अंतिम है, उसके बाद एक मंगल पाठ और देंगे जो विसर्जन करेगा उसको भी अवश्य सुने, उसके बीच में कुछ जरूरी बातें भी आपको कहेंगे वो आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगी क्योंकि आप जाते हैं एक मंत्र भी दिया हुआ है और मंगल पाठ का भी हम बताएंगे। इससे पहले हम अंतिम मंगल पाठ की तरफ पहुँचे, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और चिंतन आरंभ करें। गुरु की आज्ञा से नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपचारणं
नमो लोए सब साहुण ऐसो पंच नमकारो सब पाव पणासनो मंगलानंच सबे सिंह परम पवाई मगन लोकस्य उच्चो यबरे दंति तेरे जिने अरिहंते कितिसं चौवी संपी केवली उसब मजियं च वंदे संभव मभिनंदनं च सुमयं च पौं पहं सुपासं जिनं च चंद पहं वंदे सुवें च पुपदंतं सियला सिजं च वासुपुजं च विमलमणुतं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं च वट्टमणिच एवं मैं अभित्वा विहुय रमला पहिंजर वर्णा चौवी संपी जिणवरा तित्यरा मे पश्यंतु कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोग सुतवा सिद्धा आरुक्य बोही लाभं सवाहिवर मुत्मं दिन्त चंदेसु निमलियरा अईचेसु अयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगतुमा अरिहंते लोगतुमा सिद्धे लोगतुमा साहू लोगतुमा केवली पणत्तो धम्मो लोगतुमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रभु की दया धर्म का शरण ये चार शरण तो करण जगत में और न शरणा कोई होगा
जो भव प्राणी करे आराधन उन सबका मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। हमने 2 बजे से लेकर 3 बजे तक निरंतर मंगल पाठ का श्रवण किया और इस चिंतन के साथ कि हमारे सारे के सारे कठिनाई दूर हुए, जो भी कठिनाई अपने प्रसन्न के साथ दूर होने का हमने कामना की। और निश्चित रूप से इस मंगल पाठ से जो छोटी मोटी तकलीफें फर्क पड़ता है और कई कई ठीक हो जाता है। अब हम आपको थोड़ी सी विशेष सूचना देते हैं। आपके सबके हाथ में एक पत्र दिया हुआ है जिस पर एक नमस्कार नाम मृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। मैंने बताया ये बड़ा सिद्ध किया हुआ है और बड़ा सिद्धकारी मंत्र है। जो भी इन दिनों में आए, आपने पत्र पहले भी लेके गए, वापस दूसरी बार दे दिया है, वो वापस यहाँ पे रख देना। और जिसने भी लिया है वो उसको प्रेम करके लगाना आवश्यक है। जो प्रेम करके लगाएगा, लगाना चाहता है वही ले जाए, अन्यथा इसको वापस रख देना, क्योंकि इसकी आराधना नहीं की जा सकती और जरा सी आराधना से हमारे को फल छूटे गलत है। इसलिए आप अतिरिक्त हो गया तो आप रख देना, ना ले जाए और ले जाए वो प्रेम करके ले जाए। इस मंत्र का जाप करने की विधि बता दो, सबसे बड़ी आवश्यक। सबसे पहले अगर आपने किसी की गुरु बनाने का गुरु धारणा कर रखी है, चाहे वो किसी परंपरा के हो, कोई संत हो, कोई साधु हो, या कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अपने अपने गुरु का स्मरण करना है, क्योंकि जो अपने गुरु का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। अगर आपने गुरु धारणा नहीं कर रखी है तो आप प्रभु का स्मरण करें। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का संप्रदायवाद नहीं है। आप चाहे अपने इष्ट का, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, माता जी हो, शिव जी हो, अपने अपने इष्टों का ध्यान रखें। उसके बाद एक लाइन बोलनी पड़ेगी, मैं धैर्य मुनि हमारे साथ की आज्ञा से मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि सिद्ध क्या हुआ है बिना आज्ञा से वो फलदायी नहीं होता है। इसलिए आज्ञा के अनुसार ऊपर नाम लिखा हुआ है, मैं धैर्य मुनि हमारे साथ की आज्ञा से मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपको इसी प्रकार का चिंतन करना है और चिंतन 1 मिनट का पहले करना है और उसके बाद इस मंत्र को मात्र 27 बार बोलना है। पूरी माला करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र का जाप धीरे करें, उसमें भाव आना चाहिए, शब्दों का उच्चारण आना चाहिए और बिना भाव के न करें। फटाफट ट्रेन में न बने कि एकदम खत्म कर दिया, 12 मिनट 13 मिनट लगते हैं, भाव के साथ इसको करें और उसके बाद अपने शरीर पर हाथ घुमाएं। कब तक करना है ये मैं 3 मांगने के बाद आपको बताया करता हूँ। 3 मांगने के बाद मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। उसने उस समस्या के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का ध्यान देते हुए आपका समाधान दे देता हूँ, परंतु 3 मांगलिक सुनना आवश्यक है। इस मांगलिक को जो मांगलिक का भी प्रारंभ की, हमारे पास कई तरह के उपाय हैं, आपको बता देता हूँ। मैं फोन का प्रयोग करता हूँ, लाखों लोग इस भारत में जुड़े हुए हैं और विदेशों से जुड़े हुए हैं, इसलिए रोजाना मेरे पास 250 से 350 फोन आते हैं। सबका मैं उपयोग नहीं दे सकता, अर्थात मैंने व्हाट्सएप का प्रयोग किया है, मैं व्हाट्सएप पे दी हूँ, मेरे नाम से मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ। इसके अंदर एक पीला नंबर का फोन है, वो मेरा नंबर है, अर्थात आप व्हाट्सएप पे मेरे को ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम डालें, जगह का नाम डालें और आप अपनी समस्या लिखते हैं, आप मेरे से लिंक हो जाएंगे और सारे समाधान आएंगे। उसके बाद मैं यूट्यूब पे दी हूँ, आप मेरा नाम डालें, मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, सारे समाचार आपको मिलेंगे व्हाट्सएप और यूट्यूब पे। और मैं यूट्यूब पर संचालन करता हूँ, हमारे भाई साहब सम्यक दर्शन आप भी बराबर प्रसारित करते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, सम्यक दर्शन आपको सारा का सारा ये मिल जाएगा आपको। और दूसरा अर्थयोगी गहरी मुनि के नाम से आप टाइप करें, उसको सब्सक्राइब करें दोनों को, इन दोनों में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मेरे हर कार्यक्रम मिलेंगे। और उसको सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और उसमें एक मंगल पाठ आएगा जो हाथ जुड़े हुए हैं, पीछे बैनर लिखा हुआ है और उसके अंदर घोड़े में फोक रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें या सम्यक वाले को सब्सक्राइब करें और इसको भी लिखे करके सुन सकते हैं। आज का हम यही
मांगने की और नहीं मिली तो रुक जाए, बिना राष्ट्र मांगने के लिए ना जाए, अतुला न छोड़े। अब सब वंदना करेंगे, वंदना के बाद मुगल पाठ होगा, जिसको वंदना नहीं आती है वो आपको नकल करूंगा। मैं बोलूंगा आपको वंदना करनी है, कृपया थोड़ी देर शांति करें, बिना वंदना के और मांगने के ना जाए, अतुला रहेगा आपको वंदना। श्रीमान